कैप का इक्वेशन को बैलेंस करना। चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देख के हमारे नाइट्रस एसिड अमोनिया सिलेक्शन करता है, क्या बनाता है, NH4 NO2 बनाता है। इसको डिवाइड कीजिए टू पार्ट में, LHS में डिवाइड कीजिए एंड RHS में डिवाइड कीजिए। डिवाइड करने के बाद क्या, इस पार्ट जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उसको नोट कीजिए, हाइड्रोजन 1 and 3, 4, नाइट्रोजन 1 and 2, 1 + 1 = 2, ऑक्सीजन 1 and 2 दे रखा है, यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन 4, नाइट्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 2 दे रखा है। सेम वर्क इधर भी करेंगे, हाइड्रोजन 4, नाइट्रोजन 2, 1 + 1 = 2 एंड ऑक्सीजन 2। इतना करने बाद क्या करेंगे, दोनों साइड में LHS एंड RHS के एलिमेंट्स के जो नंबर क्या इक्वल है या नहीं इक्वल वो चेक करते हैं। हाइड्रोजन दे रखा 4 दे रखा है, यहाँ पर 4 दे रखा है, नाइट्रोजन 2 दे रखा है, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 दे रखा है, ऑक्सीजन 2 दे रखा है, ऑक्सीजन 2 दे रखा है। तो ये हमारी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। तो इतना ही आपको सीखना होता है कि रिएक्शन को कैसे चेक करते हैं कि बैलेंस है नहीं बैलेंस है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।